मेहनत का फल कितना मीठा होता है, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। एक बूंद शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है? मधुमक्खी के दो पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फलों का रस इकट्ठा करने के लिए। मधुमक्खी फलों का रस चूसकर अपने दूसरे पेट में इकट्ठा कर लेती है। फिर मधुमक्खी रस लेकर अपने छत्ते पे आती है। छत्ते में आकर मधुमक्खी इस रस को मुंह के जरिए दूसरे छत्ते वाली मधुमक्खी को दे देती है। वे दूसरी मधुमक्खी इस रस को इकट्ठा करके कई मिनटों तक चबाती है, जिससे इनके शरीर में मौजूद ग्रंथि से एंजाइम निकलकर इस रस में मिल सके। फिर ये इस रस को गाढ़ा करने के लिए इसमें मौजूद पानी को सुखाकर उड़ा देती है। पानी को सुखाने के लिए मधुमक्खी ऐसे अपने पंखों से हवा भी करती है। फिर यह रस गाढ़ा होकर शहद बन जाता है। मधुमक्खी को एक किलो शहद बनाने के लिए कम से कम 40 रसों को चूसना पड़ता है, तब जाके एक किलो शहद बन